नींद आ रही है, अब बकबक बंद करो और सो जाओ। हाँ, नींद तो मुझे भी आ रही है, सो जाते हैं दोस्तों। बना दिया तुमने। माफ करना कालिया, दरअसल मैं एक सपना देख रहा था जिसपे बुरी परी और चराकी ने कब्जा कर लिया था और मैं नीचे गाड़ी में वेट करता हूँ, तुम लोग जल्दी से आ जाओ। बस अभी आए। नहीं रहा कि तुम जल्दी से नीचे आ पाओगे। Ha ha ha!
सामान कुदरती चीजों से बना हुआ है, ये सब के इस्तेमाल के लिए सेफ है। ठीक हूँ, न जाने आज कैसे अचानक पावर फेलियर हो गया। यहाँ पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। खैर छोड़ो, तुम सब तैयार हो गए? सभी बच्चे सही सलामत हैं। न जाने आज क्या गड़बड़ हो रही है। अरे भाई ट्रक आ रहा है, रास्ते से हट जाओ। मेरे
जमाने में 100 घोड़ों के रथ पर सवारी करता था मैं, और ये पित्ती इंसान लोहे के डिब्बे में सवारी करके मुझ पे चिल्ला रहा है। अभी दिखाता हूँ इसे। अब मजा आ रहा है, तबाही का बादशाह लौट आया है। ओए पत्थर के जोकर, नाटक शाला में जाकर अपना नाटक कर, वरना ना समझ बच्चे, मैं बादशाह हूँ, तबाही का बादशाह। लगता है इस शहर के लोग मेरी शक्ति को भूल गए हैं। सबको याद दिलाऊंगा, सबको। हम इसे नहीं हरा पाएंगे भीम। हम हार नहीं मान सकते चुटकी। अगर पत्थर को तोड़ना है तो हमें भी पत्थर ही बनना होगा। तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ दोस्तों। मजा आ रहा है ना? मजा ही आ गया। नेक्स्ट कौन दो लोग जाएंगे? अरे नहीं, ये क्या हो रहा है? मुझे नीचे उतारा। भाड़ में गए पैराग्लाइडिंग। मैं जमीन पे ही अच्छा था। नहीं उतारो। कुछ नहीं होगा कालिया, यहाँ देखो चिड़िया भी तो उड़ रही हैं। तुम बस लंबी लंबी सांसें लो और मजे करो। ओहो कालिया, डरो मत, ये कोई दानव नहीं, नीले बादल हैं। अरे नहीं, उस दानव ने चिड़िया को जख्मी कर दिया, देखो। लगता है अब मेरी बारी है। ये देखो बच्चों, ये है रौनक शहर की सबसे ऐतिहासिक मूर्ति। वाओ, ये रौनक शहर कितना अनोखा है। हम जब भी यहाँ आते हैं कुछ न कुछ नया देखने को जरूर मिलता है। जैसे कि राजू के सर पर उगे ये नए उजले बाल। बच्चों लड़ना बंद करो और इसे देखो। इस मूर्ति की सबसे अनोखी बात ये है कि इसे तीन महान शक्तिशाली जादूगरनियों ने सालों पहले अपने जादू से बनाया था। अब्रकडब्रा, छु 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 मंत्र, वो जादू होता है ना, मैजिक मैजिक। तभी ये इतना अलग लग रहा है। गेंडे में तुम लोगों को इतना अनोखा आखिर क्या दिख रहा है? वही दो आंखें और वही नाक पर सींग और वही पूंछ। मेरे पास अगर जादू होता तो मैं तो कुछ ऐसा बनाता जो कभी किसी ने ना देखा हो। तुम राइनोसोरस नहीं, डायनासोर्स बनाते ना। बेटा।
इस रौनक शहर में बुलाकर हम इस पूरे शहर पर कब्जा कर सकते हैं। दानव को छोड़ो, बड़े से बड़े राक्षस भी उसके सामने नहीं टिक पाते, तो सोचो भीम भी उसके सामने नहीं टिकेगा। जादू जलंधर, सांप राज हो शहर के अंदर। ये तूफान उस बादल की तरफ से आ रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। ना जाने शेर को क्या हो गया है। उस नीले बादल से धुआं निकल रहा है। किसके ये मजाक कि मेरी आज्ञा के बिना मुझे मनुष्य लोक में बुलाया। कौन है वो, मेरे सामने लाओ, उसे भस्म कर दूंगा। चलकी को हम लेकर आते हैं। सांप राज को बिना पूछे बुलाया तुमने, अब इसका अंजाम भुगतो। भीम, हम दूर से सांप राज को रोकेंगे। सांप राज, तुम्हें गलत फहमी हुई है, तुम्हें यहाँ पूरी परी और चरकी ने बुलाया है, इस शहर के वासियों ने नहीं। पूरी परी और चरकी कहाँ है वो, उन्हें मेरे पास लाओ वरना मैं सब कुछ तबाह कर दूंगा। जल्दी से मेरी दुनिया का दरवाजा खोलो वरना अच्छा नहीं होगा। बिना मेरी इजाजत के तुम दोनों ने मुझे बुलाया, अब मेरी दुनिया में तुम्हें इसकी सजा भुगतनी होगी। चमक उठा जो भीम ने एंट्री मारी, दोनों शेर भी
मारो सिटी, मारो सिटी, भीम इन द सिटी, मारो सिटी, मारो सिटी, सिटी पीटी पीटी। जग्गू, इसे लिफ्ट कहते हैं, ये हमें ऊपर ले जाएगी। ऊपर मतलब? मतलब ऊपरी मंजिल पर। परेशान मत करना मुझे। पापा। बोलो भीम। पिछली बार आपने मुझे मस्ती हैंडशेक सिखाया था, हम अभी एक बार करें, बहुत मजा आएगा। ये तो हमारा मस्ती हैंडशेक नहीं है। अब आज से ये हमारा नया मस्ती हैंडशेक है। मुझे कागज ढूंढने दो। हटो हटो। पापा को मस्ती हैंडशेक याद नहीं? ऐसा नहीं हो सकता, ये शख्स मेरे पापा नहीं है। मुझे लगता है ये मेरे पापा की शक्ल में कोई और ढोंगी है, एक बहरूपिया। पर हम ये कैसे जान पाएंगे? तुम्हारे पापा, मेरा मतलब उस ढोंगी का चेहरा कैसे उतारेंगे? और तुम्हारे असली पापा कहाँ हैं? इस ढोंगी ने जरूर मेरे पापा को कहीं छुपा रखा है। पापा का पता लगाने के लिए इस ढोंगी का असली चेहरा देखना ही होगा। पापा, मुझे लगता है आपने हथियार के कागज अपने ऑफिस में ही रखे होंगे, किसी सुरक्षित जगह पर। आपको वहाँ एक बार और ढूंढना चाहिए। शायद तुम ठीक कह रहे हो भीम, मैं अभी ऑफिस जाकर ढूंढता हूँ। थोड़ी स्केटिंग हो जाए। अब देखो कमाल। अब मुझे इस मास्क की जरूरत नहीं है। तुम्हारा खेल खत्म क्रूर। मेरे पापा लाखों में एक है, उनकी शक्ल लगा लेने से तुम मुझे बुद्धू नहीं बना सकते। हाँ क्रूर, भीम के पापा ही सबसे बेस्ट हैं। तो सुनो भीम, तुम्हारे लाखों में एक पापा मेरे कब्जे में है। अगर उनकी सलामती चाहते हो तो मुझे रौनक शहर के खुफिया हथियार बनाने के कागज ला कर दे दो, वरना
मेरे पापा अपनी सुरक्षा से पहले लोगों की परवाह करते हैं। हम वो कागज तुम्हें कभी नहीं देंगे। बताओ मेरे पापा कहाँ हैं? रौनक शहर के हॉल में है। मुझे पकड़ लो या उसे बचा लो भीम, क्योंकि तुम्हारे पास सिर्फ 3 मिनट है, उसके बाद एक बड़ा धमाका होगा। ओहो, अरे नहीं, क्रूर हमारे हाथ से निकल गया। उसे हम बाद में पकड़ लेंगे कालिया, मेरे पापा को बचाने के लिए सिर्फ 3 मिनट बचे हैं, जल्दी चलो। बराबरी के किसी को क्यों नहीं चुनते? अभिमन्यु, तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। दोस्तों, ढोलकपुर का सीसो याद है? याद है। उस्ताद, लगता है सही वक्त आ गया है। सही वक्त पे सही बंदा हाजिर है। भीम, तैयार? तैयार। मैं इतनी आसानी से हारने वाला नहीं। अब तुम नहीं बचोगे मेयर। अभिमन्यु, हमें इन पर पहले से ही शक था, लेकिन कोई पुख्ता सबूत ना मिलने की वजह से हम चुप थे। मैं समझ सकता हूँ इंस्पेक्टर साहब, इसको अरेस्ट करवाने से मेरा काम तो पूरा हो गया। नहीं नहीं, अभी नहीं मिस्टर अभिमन्यु, आपको कुछ दिनों के लिए मेयर का ऑफिस संभालना होगा, जब तक नया मेयर नहीं चुना जाता। अच्छा, ठीक है। वैसे बच्चों, इतनी फाइट के बाद बहुत भूख लग रही है, क्यों ना थोड़ी पेट पूजा हो जाए। मारो सिटी, भीम इन द सिटी, मारो सिटी, मारो सिटी।